दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस, जो पिछले 4 दिन के अंदर जो बढ़े हैं केसेस, उसके बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 138 मिलियन की है, जो 138 मिलियन लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, और जो कि दुनिया में 200 कंट्रीज़ के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसमें से 35 पोजीशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। जो 43 से स्टार्ट किया था और अब हम 35 पर आ गए हैं। जनवरी 29 के अंदर पहला केस मिला था हमारा इंडिया के अंदर, जो कि मैं अपने काफ़ी वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूँ। तो 28 मार्च तक जो टोटल कोरोना वायरस के जो केसेस थे, जो पिछले 60 दिन, यानी जनवरी 29 से लेकर 28 मार्च तक 60 दिन में, सिर्फ 987 केसेस ही इंडिया में रजिस्टर्ड किए गए थे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 24 तारीख को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, जिसको बहुत सारे लोगों ने 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 जो है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी इस पर कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन 4 दिनों के अंदर, 28 तारीख से लेकर 1 अप्रैल तक, जो हमारे केसेस बढ़े, वो हमें अलार्म करते हैं, वो हमें अलर्ट करते हैं कि हम लोग थर्ड स्टेज की तरफ ना कि कहीं थर्ड स्टेज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। आप देखते हैं कि 28 तारीख तक जो केसेस थे, 987 केसेस थे, जो कि 1 अप्रैल तक, यानी 4 दिनों में ये केसेस बढ़कर जो है 1011 केसेस और आ गए, जिससे कि जो कि हमें अलार्म कर रहे हैं कि या अलर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि ये केसेस जो है जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, अगर ये स्पीड से बढ़े तो हमारी भी कंडीशन कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन कंट्रीज़ की तरह ना हो जाए। आप देखते हैं कि 987 पिछले 60 दिनों में जो केसेस हुए थे, 987, जो कि 4 दिनों, 1011, जिसमें हमें बढ़ोतरी हुई है 102 102.41% की हमारी जो है बढ़ोतरी हुई है। क्लियर। अब तक टोटल जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर, 1987। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल तक के डेटा से, मैं सेकेंडरी डेटा से लेकर ही कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है मैंने। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 100% लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, अपने घर पर रहें, सेफ रहें। और मैं आपको बताता हूं कि एक किस तरीके से 29 4 दिनों के अंदर ये कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज़ हुए। 29 तारीख को तक को 37 केसेस थे, जबकि 30 तारीख को ये बढ़कर 227 हो गए, 31 को ये केसेस बढ़कर हमारे 146 केसेस रजिस्टर्ड हुए, और जबकि 1 अप्रैल को ये केस बढ़कर 601 हो गए, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है हमारे लिए। 4 दिनों में 1011 केसेस हमारे रजिस्टर्ड किए गए हैं, पिछले लास्ट 4 डेज के मैंने आपको डेटा अपडेट किया है। इसलिए प्लीज़ अपने घर पर रहें, सेफ रहें। और अब तक जो कोरोना वायरस से कि जो डेथ हुई है, रिकवर्ड हुई, और एक्टिव केसेस कितने हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। 29 तारीख तक जो हमारी कंट्री में डेथ हुई थी वो 27 है, 95 अब तक रिकवर हो चुके थे, तो और एक्टिव केस थे 902। 30 तारीख तक जो है 32 डेथ हो चुकी थी, 102 केसेस हमारे रिकवर्ड हो चुके थे, और 1117 एक्टिव केसेस थे। 31 तारीख तक जो है 35 हमारी टोटल डेथ हो चुकी थी 31 मार्च तक, और रिकवर्ड हो चुके थे 123 केसेस, और जो एक्टिव केसेस थे 1239, और 1 अप्रैल को तक जो है ये डेथ का आंकड़ा बढ़कर 58 हो गया, और टोटल रिकवर्ड का जो आंकड़ा है हमारा 123 से बढ़कर 148 हो गया, और जो टोटल एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है 1792 हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है कि अपने घर पर रहें, सेफ रहें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।